हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चिकन का बहुत टेस्टी सा रेसिपी। और ये जो चिकन रेसिपी है, इसको बनाया जाता है केले का जो फूल होता है उसके साथ बनाया जाता है। ऐसे में इसमें इसको कलदिल और कलफुल भी बोला जाता है। तो बंधु बान्धव आज मैं बनबले ऊल्सो कलदिलर चिकेन रेसिपी। तो बोलक भिडिओर मजा जाओ और के बनाईसो मैं आज अपर शेयर करूँ। तो पहले केले का फूल को अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। और एक घंटा मैं इसको नमक पानी में भिगो के रखूंगी। केले का फूल का जो स्टिकीनेस है वो सब यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक घंटा एकदम अच्छे से इसको भिगो के रखना है नमक पानी में। और यहाँ पर मैंने चिकन को हल्दी और नमक डाल के रख दिया है। दो प्याज लिया है, दो आलू और थोड़ा सा अदरक लहसुन। प्याज और अदरक लहसुन को मैंने पेस्ट बना लिया है एक साथ ही। सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ पर डाला है बे लीव्स और रेड चिली। और पूरा जो ड्राई मसाला लिया था वो सब भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सब फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ चिकन। मसाले के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन मसाला। चिकन थोड़ा फ्राई हो चुका है तो अभी मैं डाल रही हूँ आलू। और यहाँ पर केले का फूल जो मैं कट करके रखा था उसको मैंने ऐसे छन्नी पर सान लिया है, पानी अलग कर लिया है इसका। और अभी चिकन के साथ केले के फूल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अभी मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पूरा एक साथ ही पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसमें पानी मिक्स करना है। और ग्रेवी थोड़ा थिक ग्रेवी बनेगा इसका। इसमें पानी दे दीजिए, गुटे पानी दी नहीं दूँ, गुटे खिनि अलग अलग के पानी दी, पानी दी। और इसको धीमी आंच पर पकाना है 7-8 मिनट। केले का फूल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहता है, फाइबर रहता है और मेनली रहता है यहाँ पर आयरन। तो अभी ग्रेवी ठीक हो चुका है, चिकन भी पक चुका है और केले का फूल का जो फ्लेवर रहता है वो सब पूरा निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर ही मैं अभी गैस बंद करती हूँ। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है।
स्पेशली मेरे जो नॉन असमीज फ्रेंड हैं उन लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज, क्योंकि असमीज लोगों को तो ये रेसिपी के बारे में पता ही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये चिकन के साथ केले का फूल। चिकन खन भातर लगत रुटीर लगत खाब पारी एखन चिकन आमी तो भातर लगते खाम अखमिया मानु जेहेतु। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।